नमस्कार, प्रणाम सबको। कैसे हैं आप सब? शादी का झांसा देकर प्रेमी ने मुंबई से बुलाया और निशा पांडे का किया रेप। फिल्म अभिनेत्री से दुष्कर्म का रिपोर्ट जो है दर्ज हो चुका है, यानी राजन पंडित टिकटॉक स्टार पर जो है FIR दर्ज हो चुका है। तो चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देता हूं और इसका जो है लाइव प्रूफ जो पेपर में छप चुका है। तो यहाँ पर बता दें, नवाबों का शहर एक बार फिर शर्मसार हुआ। गोमती नगर में नाबालिग छात्र से हुए रेप के मामले में पुलिस अभी आरोपी छात्र को पकड़ भी नहीं पाई। तब तक इंदिरा नगर में फिल्म अभिनेत्री के साथ रेप का मामला जो है सामने आ चुका है। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को देर रात रेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा जो है राजन पंडित टिकटॉक स्टार का खिलाफ जो है कर चुकी है। कंदावली मुंबई की रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कविता, यानी उनका काल्पनिक नाम है और ऐसे नाम जो है निशा पांडे इस अभिनेत्री का है। सब कोई भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इनके निशा पांडे के नाम से जो है जानते हैं। मूल रूप से ये बनारस की रहने वाली है। कविता के मुताबिक वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात टिकटॉक स्टार यानी अश्लील गाने पर ठुमका लगाने वाले दिव्यांश तिवारी उर्फ राजन पंडित से हुई। यहाँ पर माना सिटी इंदिरा नगर में हुई थी। निशा पांडे ने बताया कि राजेंद्र ने स्वयं को उस समय अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी बताया। हम दोनों एक दूसरे से जो है बहुत प्रेम करने लगे थे, लेकिन दिव्यांश तिवारी ने शादी नहीं की बल्कि शादी का झांसा देकर महीनों वर्षों इनसे रेप करता रहा। गर्भवती होने पर जो है निशा पांडे का गर्भपात कराने का भी प्रयास किया गया। शादी करने के नाम पर राजेंद्र और उसकी दो बहनों ने नेहा तिवारी और नीतू तिवारी जहां मारपीट भी इनसे करती थी, वहीं जान से मारने की धमकी भी निशा पांडे को देती थी। गायिका की तहरीर पर इंदिरा नगर पुलिस ने राजेंद्र और उसकी दोनों बहनों के खिलाफ IPC के तहत धारा 420, 406 और 376, 315 और 506 के तहत मुकदमा जो है दर्ज कर लिया है और जल्द ही राजन पंडित को इस पर जो है जाँच होगी और उसको जेल में भेजा जाएगा।